सीधा आप करें सिलेक्ट ऑल। आप करें कॉपी और अब करना है आपने पेस्ट। हाशिम, ये हमारी हेडिंग जो है ये दो दफ़ा पेस्ट हो गई है, इसको हम क्या करेंगे? क्या शॉर्टकट की है इसकी? शाबाश। मैसम, ये जो फर्स्ट वाली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसको हमने ना टू टाइम्स लिखना है, तो क्या करेंगे? कॉपी। कॉपी की क्या है शॉर्टकट की है, देख के बताओ ज़रा। चलो फिर करो कॉपी। लुकमान, ये जो सी प्रोग्रामिंग की हेडिंग है ये गलत जगह पे है, इसको सही जगह पे लाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, करो फिर परफॉर्म इसे। फिजान, हमने इस फाइल में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, अब इन चेंजेस को हमने सेव करना है, सेव के लिए शॉर्टकट की कौन सी है देख के बताओ? कंट्रोल प्लस एस। अब इसको परफॉर्म करो। शाबाश। अरीबा, ये जो फर्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसके अंदर क्या हुआ है कि डॉट एच गलती से मिस हो गया, कट हो गया वो, ठीक है, तो उसको आपने वापस लेके आना है। तो कैसे लेके आओगे आप? हेमन, इतने चेंजेस हमने किए हैं इस फाइल के अंदर, ठीक है, तो अब इनको आपने सेव करना है, तो क्या की प्रेस करोगे आप? अच्छा जी, इज़ा, हमने क्या करना है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है और न्यू डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है, तो इसके लिए क्या क्या शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ करोगे? कंट्रोल ए। और वो किसके लिए? वो सिलेक्ट करनी होगी। तो करो फिर उसको। अब इसको पेस्ट करना है, उसके लिए करेंगे कंट्रोल सी। कॉपी करना है ना? यस। और अब न्यू पेस्ट, उसके बाद इसको पेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे कंट्रोल बी। अच्छा मरियम, हमने जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसको दो दफ़ा करना है, राइट, तो क्या करेंगे जो फर्स्ट वाली है उसको? हम उसको कॉपी करने के लिए पहले उसको हम सेलेक्ट करेंगे जी, फिर कंट्रोल प्लस सी करते हैं। हो गया कॉपी, फिर एंटर जी, कंट्रोल प्लस सी। चलें।